शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। बेटे शुरू जी, शुरू करें, शुरू करें। नहीं आप काटो, आप काटो, हम सारी तालियां बजाएं। और ये 2.5 से 3 महीनों में मुझे तो इतने भी नहीं मिलते। आपके पापा के है ना 5 मिलियन। सुनिए, अच्छा ये आपने काट दिया, ठीक है, ये वाला एरिया खाओ ना, ये अच्छा होता है। अरे ये तो बहुत एनर्जी वाला बॉक्सर है। अरे पंच पंच ये तो बहुत अच्छा बॉक्सर है। उए उए। मुझे गलत है, टाक मार लिया, टांग नहीं मारू, टांग नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आपको कैसा लगा? ठीक। अच्छा भैया आप बताए। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी ठीक हूँ। और पूछे ना। मैं पूछूं आपसे, अच्छा अभी आप लाहौर में थे या इस्लामाबाद में थे? अभी हम इस्लामाबाद में थे। आपको पता है मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है। अच्छा, बहुत सारी। मैंने भी आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी। मेरी तो इतनी अच्छी वीडियो नहीं होती, मजे वाली तो नहीं होती। मजे वाली वीडियो तो आपकी होती है। आपकी भी मजे वाली होती है। अच्छा, मजे वाली वीडियो होती है। मैंने वो आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने जहाज में ट्रेवल किया, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने अपना गांव दिखाया, अपना घर दिखाया, मस्जिद बहुत प्यारी थी, वहाँ नमाज पढ़ी है आपने? नमाज पढ़ी है। अच्छा, और मैंने वो भी देखी जहाँ पे आपने पानी भी पिया जाके, बहुत ठंडा पानी था। हाँ, बहुत ठंडा है, है ना? यहाँ भी पानी है लेकिन इतना ठंडा नहीं है, गर्म है। हाँ ये देखा पानी आपने? ये बहुत गर्म है ये वाला पानी। फॉलो किए? हाँ मैंने फॉलो किया हुआ है आपको। आपने मुझे फॉलो किया हुआ है? मुझे फॉलो नहीं किया अभी। इमरान साहब देखो देखो वो देखो बैंक खेल रही है फुटबॉल। जी सर, आपने जब फर्स्ट टाइम देखा व्लॉग, क्या मुझे ना फैन फीलिंग आ गई है। मुझे यानी आई कैन इमेजिन के जब आप अपने किसी हीरो को मिलते हैं तो आपको वो फीलिंग कैसे आती है? वो मुझे एक्साइटमेंट ऐसे है कि बेशुमार लोगों को हम मिलते हैं रोजाना, लेकिन मुझे बड़ी आज सुबह की एक्साइटमेंट थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 घंटे बाद, तो मैं ये सोच रहा था कि ये 2 घंटे कैसे गुजरेंगे। मैं फिर मैं सोच रहा था कि मैं कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा, वो किस तरह के कपड़े पहन के आएंगे जनाब। तो मुझे व्हाइट मैच हो गया। हाँ नहीं, मुझे वो मैंने सफेद शलवार कमीज आज इसी का वही बकाया था, मैंने जी मैं ये पहनूंगा। तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि हीरो आ रहा है तो मुझे उसको मिलना है, और मैं वेट कर रहा था। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, तो फैन फीलिंग जो है वो क्या है वो मैं वो आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही बात। तो मैं सुबह से सोच रहा था जब शराब आएंगे तो शराब के साथ करेंगे क्या हम, और हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। तो आज हम आपको बोटिंग करने का शौक है, कश्ती चलाने का? कश्ती चलाने का शौक है। चलाएंगे आपने पहले? नहीं चलाएंगे। तो आज कश्ती चलाएंगे, ठीक है। घोड़ा चलाने का शौक है? घोड़ा चलाने का शौक है।
घोड़ा चलाया कभी पहले? नहीं चलाया। आज घोड़ा भी चलाएंगे। एक ये भी चलाएंगे। वो देखो आंटी आ गई, जाओ मिलो आंटी से। सामने वो खड्डा था, मैंने वो नरम वाला घोड़ा दिया, मैंने फिर छलांग मारी घोड़े से। बताओ कहाँ लगी छोटी फ्री को? आपने ट्वीट किया था ना, उस वक्त तीसरी वीडियो थी, 2 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर। बहुत बहुत है, अभी केक भी लाए हैं। एक मिनट में आप लोगों के लिए ट्वीट करता हूँ, ये कभी नहीं होगा। इसने कान में बच्चों को बता बता के लुकमे दे दे के बच्चों के व्लॉग की। मेरे ख्याल में गांव का कोई बच्चा नहीं होगा जिसको आप लोग नहीं जानते, सब बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया। वैसे देखो बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना, हम लोग नॉर्मली मैंने देखा है एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते, एक दूसरे के बारे में बताते नहीं है। उसने गांव के हर बच्चे का तारुफ करवाया है कि ये वो है, ये मेरा दोस्त वो वाला है, ये वो वाला है, इसको भी देखो, इसको भी हेलो बोलो। तो वो सबके लिए करता है माशाल्लाह। बच्चे है ना वो अंदर से बिल्कुल सच्चे होते हैं, खड़े होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपने देखा व्लॉग? मैंने तारिक मतीन साहब की उसने देखा, उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने देखा, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये किधर है, मुझे इसको पकड़ना है। मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई ये मुझे भी नहीं पता किधर है, लेकिन यार ये एटम बम है। तारिक भाई के साथ मेरी बात जब हुई ना पहली दफा इनके बारे में, तो वो उन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया था, वहां से फिर मैंने देखा, फिर जो उन्होंने किया वही जो फिर मैंने भी किया। एक्चुअली ये तारिक भाई, तारिक मतीन साहब जो है ना, ये दरियाफ्त में उनकी होगा हमारे सर्कल के अंदर, हमारे सर्कल में ये उनकी दरियाफ्त है। और फिर कुछ और दोस्त भी फिर फॉलो करना शुरू हुए, और मुझे लगा कि ये मैं पहले दिन से एक बात पे कमेंट था कि अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज्म का बेहतरीन हो सकता है एम्बेसडर, मैंने आप लोगों से शायद एक बार बात की भी थी, टूरिज्म का बेहतरीन एम्बेसडर अगर कोई हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान का, तो वो ये शराब। और ये तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी खड़ा करते हैं, पाकिस्तान में, दुनिया में, दुनिया में माशाल्लाह कहीं भी खड़ा करते हैं, तो मिलियंस में माशाल्लाह लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से इसको बचाए और इसी तरह हंसता खेलता हुआ हमेशा रखे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को लेकर स्पेशली आपके इनके फादर का शुक्रिया। ये तो है आपसे बड़ा, इधर जंगल में लोग मिलने के लिए कम आते हैं। आपने बहुत इज्जत फरमाई, तो आप इधर जंगल में आ गए इसको लेकर मिलने के लिए, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। गुस्सा कर रहा है घोड़े पे, गुस्सा कर रहा क्यों रहा है? मुझे गिरा दिया, इसको नहीं देख रहे, इतने गिरा दिया। अच्छा इसको मुंह तो देख ले, ये पकीरा नहीं, पकीरा की बात कर रही है, बहुत नहीं कुछ कह दिया, कुछ नहीं कहता, थोड़ा थोड़ा सब गुस्सा है। प्लीज मुझे ये मत बोलिए, मैं बुलाता हूं, मैं बुलाता हूं आगे हमारे वाले घोड़े नहीं गुस्सा करते। कितने बच्चे इसने एक साथ देखे, इधर आओ मुझे बॉय, शर्म आ रही है। आ रहे बच्चे, ये देखो हमारा, ये मुझे गुस्सा नहीं आता, ये रोजा तो नहीं है, ये खाक नहीं के आ रहा है, गिराना नहीं। मैं तो इसमें बैठ के आते एक घंटा झूला लेता, मोबाइल हाथ में पकड़ ले, तू बस मुंह इधर देखिए मेरे भाई। और इकरार के लिए, इकरार मेरा भाई है, उसको अल्लाह ताला सलामत रखे, और खास तौर पे जो उसने नया मिशन शुरू किया है